आज जो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, बहुत सारे लोगों के तो सर के ऊपर से जाने वाली है बात, क्योंकि हजम नहीं होती है ऐसी चीजें। और बड़ा गुस्सा आता है जब ऐसी चीजें आसपास में होते हुए देखते हैं। हमारे यहीं पे चलता है सब कुछ। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से किसी चीज को, साइंटिफिक चीज को, एक दिव्य शक्ति को बताकर लोगों से पैसे लूटे जाते हैं। एक साइंटिफिक चीज को दूसरों को, योग की शक्ति, ईश्वर की शक्ति, दिव्य शक्ति, परमात्मा की शक्ति, इस तरीके से दिखा दिखा कर किस तरीके से लोगों से पैसे लूटे जाते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक बने रहना, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे आप। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों बढ़ते इस वीडियो के अंदर, एंड ऑफ कोर्स अपनी जिंदगी में भी। दोस्तों वैसे इस बारे में मैंने एक दो वीडियो में पहले भी जिक्र किया हुआ है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं अगर आपको नहीं पता इस बारे में, कि टीवी पर एक प्रोग्राम आया था, एक शो आया था जिसका नाम था एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। वहां पर एक छोटी सी बच्ची गई थी और उसने वहां पर कुछ कारनामे करके दिखाए थे इस तरह के, इसी टाइप की जो चीजें मैं आपको बताता हूँ, जो एडल्ट मिड ब्रेन एक्टिवेशन या किड्स मिड ब्रेन एक्टिवेशन के अंदर होता है, कि आंखों पर पट्टी बांध करके किताबें पढ़ लेना, या सामने कौन खड़ा है उसको गैस कर लेना, ये सारी चीजें करके दिखाई। तो अनु मलिक साहब थे और वहाँ एक दो और थे जो जो उसके शो के जो जज थे। तो अनु मलिक ने भी उनसे पूछा कि भाई बेटा आप ये कैसे कर लेते हो, क्योंकि सब लोग बड़े हैरान थे, परेशान थे कि बेटा इसके अंदर कोई मैजिक है क्या, क्या या मतलब किस तरीके से आप करते हो। तो लड़की ने जवाब दिया कि सर ये गॉड गिफ्टेड है ना। ओके चलो अब दूसरी चीजें और लेते हैं। अब एक और बात आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग। एक बहुत बड़े बाबा है, बहुत बड़ा उनका नाम है, उनका नाम मैं यहाँ पर नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी की भावनाओं को अहित नहीं करना चाहता हूँ, किसी की भावनाओं को नहीं दुखाना चाहता हूँ, तो उनका नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन बहुत सारे लोग समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उनके पास एक 11-12 साल की लड़की है जिसको उन्होंने योगिनी बनाया हुआ है। वो उसी तरह की वेशभूषा पहनती है जैसे साधु संत लोग पहनते हैं, और वो थर्ड आई ओपन होने का मतलब दावा करते आए हैं। उस लड़की को दिखा दिखा कर, शो दिखा दिखा कर उन्होंने बड़ी हाइप क्रिएट कर रखी है काफी सालों से। तो सेम करती है वो, आंखों पे पट्टी बांधती है, किताबें पढ़ती है, सेम कलर कार्ड्स, जो कलर कार्ड्स मैं आपको देता हूँ या आपने बहुत सारी वीडियोस के अंदर देखे होंगे, सेम उसी टाइप के कलर कार्ड्स वो लेती है, उनको पढ़ती है। सामने कौन बैठा हुआ है, लड़की है या लड़का है, मतलब मेल है कि फीमेल है, या किस तरह के उसने कपड़े पहने हुए हैं, किस कलर के पहने हुए हैं, वो ये सारी चीजें करके दिखाती है। तो उसको दिखा दिखा कर अभी क्या होता है, जो अंधभक्त लोग होते हैं तो उनके सबके दिमाग में जाता है कि इसके अंदर कोई दिव्य शक्ति आ गई है, कोई अदृश्य शक्ति है, कोई भगवान की शक्ति है, कि इसकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। तो काफी इंटरव्यू वगैरह लिए गए उस लड़की के, लेकिन उन्होंने कभी किसी को उसके बारे में साइंटिफिक तरीके से कुछ नहीं बताया कभी भी। तो इसी से जुड़ा हुआ मैं आपको एक हादसा बताने जा रहा हूँ, मेरे साथ में क्या हुआ। आज से लगभग 3 साल पहले जब मैं अपने ब्रांच पर बच्चों की क्लास ले रहा था, तो मैंने दो बच्चों को एक्टिवेट किया। दो बच्चों को जब वो प्रॉपर एक्टिवेट हो गए, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बताने लगे, दिखाने लगे, तो क्या हुआ कि एक बार उनकी माँ बाप की तरफ से प्रस्ताव आया कि सर हम लोग आपसे एक बार पर्सनली मिलना चाहते हैं अपने बारे में। तो तब मैंने तब उस टाइम पे मैं एडल्ट मिड ब्रेन एक्टिवेशन वाला प्रोग्राम स्टार्ट कर चुका था। तो फिर वो मतलब मेरे साथ उनकी बैठ के बातचीत हुई, तो वे हैरान हो गए क्योंकि उनसे बातों में मुझे पता चला कि ये लोग उसी बाबा के अंधभक्त है, भक्त नहीं कहूंगा, अंधभक्त कहूंगा, क्योंकि जो हर बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता है वो अंधभक्ति हुआ भैया। तो अंधभक्त थे उनके वे, उन्होंने उनका उन्होंने बताया कि हम लोगों ने गुरु जी का नाम लिया हुआ है, बोलते हैं ना बोला गुरु जी का नाम लिया हुआ है या सत्संग लिया हुआ है वगैरह वगैरह करके, ऐसे करके कुछ तो उन्होंने बताया उनका लिया हुआ। तो उन्होंने तो वे उनके इस प्रोग्राम में जाकर शामिल हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जो जो हमारे बच्चे जो कर रहे हैं सर, इसके पीछे कोई दैविक शक्ति है या क्या है, ये आप कैसे कर लेते हो, ये हो कैसे गया सर, 2 दिन के अंदर कर दिया आपने, मतलब कमाल हो गया, ये कैसे पॉसिबल है सर। फिर मैंने उनको उसके पीछे साइंटिफिक वजह बताई, बहुत सारी चीजें बताई, फिर उन्होंने खुल के अपने सारे मुझे बहुत सारी चीजें बताई। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या हुआ उनके साथ। उन्होंने कहा 6.5 लाख रुपए की फीस देकर हम गए, 21 दिनों की ट्रेनिंग हम लोगों ने वहां पे ली। मैंने पूछा 6.5 लाख रुपए आप दोनों गए, बोले नहीं एक पर्सन के 6.5 लाख रुपए हम दोनों गए, यानी कितने हो गए 13 लाख रुपए देकर। कोई जैन फैमिली थी, जैन फैमिली तो आप लोगों को पता ही है, मतलब ये इस तरह के दान दक्षिणाएं या जो धार्मिक जो कार्य होते हैं इनमें बढ़ चढ़ के ये लोग हिस्सा लेते हैं। वैसे किसी को 500 रुपये ना दे उधार,
नहीं, लेकिन हाँ दान दक्षिणा ये लोग खुलकर करते हैं, तो धर्म धर्म के नाम पे खर्च करने में कभी भी नहीं झिझकते हैं, जहां तक कि मैंने देखा और सुना है। तो जी 13 लाख रुपए देकर ये वहां पे गए, 21 दिन तक ये वहीं पे रहे उन्हीं के आश्रम में। तो वहां पर इनका सब कुछ उठना बैठना नियम कानून सब कुछ उन्हीं के द्वारा बताया गया था। और बाबा लोग जो जो मेन गुरुजी है वो तो कभी आते भी नहीं थे, उनका तो उनसे एक दो बार ही मिलना हुआ बस खाली, और मिलना भी कैसे, भीड़ में बैठे हुए थे वो, 10-5 मिनट के लिए भाषण वगैरह कुछ देने के लिए आए थे। बाकी उनको उन्हीं के आश्रम के द्वारा जो चीजें बताई जाती है, बोला ऐसे करना है वैसे करना है, उन चीजों को वे लोग मतलब फॉलो कर रहे थे। तो सुबह किस टाइम उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, घर वाले से कोई बातचीत नहीं, 21 दिन के लिए फुल लॉकडाउन आश्रम के अंदर, ठीक है। तो जी जब 21 दिन उनके कंप्लीट हो गए पूरे, प्रोग्राम था यही थर्ड आई ओपनिंग, कि जी हमें भी अपनी तीसरी आंख खोलनी है, किसकी तरह, उसी लड़की की तरह, इसलिए 13 लाख रुपए दिए थे उन्होंने कि थर्ड आई पावर को जागृत करना है मतलब। और वे कुछ बड़ा चढ़ाकर बोलते थे, बोले जिसकी थर्ड आई ओपन हो गई उसने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसको तो परमात्मा मिल गए, उसको तो ये हो गया, उसको तो वे हो गया, पता नहीं दुनिया भर की चीजें। तो दोस्तों इसी तरीके से वो 21 दिन तक रेगुलर वहां पर रहे। 21 दिन के बाद में क्या होता है, फिर उनको कुछ चीजें बताई जाती है कि भाई ये चीजें आपको, ये अभ्यास है कुछ, ये आपको अपने घर पे जाके करने हैं, इनको फॉलो करना है 6 महीने साल भर, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति 21 दिन में नहीं होती है भैया, तो आपको घर पे भी जाके करना पड़ेगा ये, तभी तो थर्ड आई आपकी जागृत होगी। हमने तो 21 दिन आपको नियम सिखाए हैं कि इस तरीके से करना है, बाकी अब लोग जो आप घर पे जाके करोगे तो तभी एक्टिवेशन होगा। मतलब भैया कुल मिला के बात वही आ गई जो मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि जब पैसों का कबाड़ा ही करना है और घर पे रहकर एक्टिवेशन करना है तो घर पे रह के एक्टिवेशन क्यों नहीं कर लेते। लेकिन मेन चीज यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि लोगों को किस तरीके से हमारे यहाँ पर ये बोल बोल के ठगा जाता है, इन सारी चीजों को एक हाइप बना के, साइंटिफिक चीजें ना बता के। और ये तो हमारे गुरु लोग बाबा लोग ये तो पहले से ही करते हैं इन चीजों को, कि उनको जरा सी कुछ कुछ कोई जरा सी उनको सिद्धि मिल जाए, कोई जरा सी पावर, कोई शक्ति कुछ इस तरह की मिल जाए तो वे उसको बताते नहीं ये लोग, क्यों, क्योंकि गुरु जी को सुप्रीम बने रहना है, कि गुरु जी सुप्रीम बने रहेंगे तभी तो लोग उनको फॉलो करेंगे ना। तो लोगों को सिखाते हैं लेकिन आड़ा टेढ़ा सिखाते हैं, कंप्लीट नहीं सिखाते, क्यों, ताकि लोग उनके बारे में फिर ये बात करें, वाह गुरु जी तो महान है, गुरु जी ने जैसे इस ज्ञान को प्राप्त किया, गुरु जी ने जिस तरीके से इस ताकत को, इस शक्ति को हासिल किया, वो ही तरीका गुरु जी ने हम लोगों को सिखाया लेकिन हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए। इससे पता चलता है कि गुरु जी कितनी पुण्य आत्मा है, मतलब उनको तो सब कुछ मिल गया लेकिन हमें नहीं मिल पाया, कहीं ना कहीं हमारी गलती है, कहीं ना कहीं हमारे मन में पाप है, मैल है, इस वजह से हम वो शक्ति यार नहीं हासिल कर पाए। लेकिन हम करते रहेंगे, गुरु जी की सेवा हमेशा करते रहेंगे, आज नहीं तो कल, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, गुरु जी के जितना भी नहीं, गुरु जी के जितना भी नहीं तो 10% में मिला तो हमारी आत्मा धन्य है। आहा, ये सब बातें चलती है, ये सब बातें चलती है भैया। और आपको पता है मैं सबसे ज्यादा किन लोगों से चिढ़ता हूँ, नहीं पता तो इस वीडियो से आपको हिंट तो मिल ही गया होगा मैं किन लोगों से चिढ़ता हूँ सबसे ज्यादा। भैया चलो कुछ चीजें मान लेता हूँ कि आपको भी नहीं पता कि वो आपके अंदर कैसे आई, लेकिन कम से कम जिन चीजों के बारे में आपको पता है कि आपने उसको कैसे क्रिएट किया, कैसे अपने अपनी बच्ची की या किसी की थर्ड आई को ओपन किया है, तो उसको छुपाओ तो नहीं कम से कम। और हमें देख लो यहाँ, हम तो सच सच बोल देते हैं ना कि भैया 3100 रुपये का पैकेज है ले लो, थर्ड आई ओपनिंग का पैकेज है, ऑनलाइन घर पर रहो अभ्यास करो, साइंटिफिक वे है, इसमें कोई धर्म नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई ड्रामा नहीं है, कोई दैविक शक्ति नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन एक्सरसाइजेज है जो आपकी थर्ड आई को ओपन करती है, यानी आपके मिड ब्रेन को एक्टिव करती है और आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं जागृत होती है। तो लिंक वीडियो के नीचे है डिस्क्रिप्शन में, जाओ जिन्होंने नहीं लिया है लो, और अपनी लाइफ में कुछ करो यार, आगे बढ़ो, ऐसी चीजें ऐसी पोले मैं हमेशा बोलता रहूंगा, और नई नई एक्सरसाइजेज अपनी चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर ये आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो तुरंत के तुरंत लाइक कर देना, बस और कुछ नहीं कहना है मुझे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।